खराब हो जाते तो दबा दबा खराब कर देते। दबाव कान है प्राइस ऑफ 5 pencils and 7 pence और 50 rupees हर एज प्राइस ऑफ 7 pencils and 5 pence और 46 rupees फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 pencil and 1 pen पांच पेंसिलों और 7 कलमों का दाम 50 रुपये है जबकि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का दाम 46 रुपये है। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 pencil and 1 pen तो एक पेंसिल और एक कलम का दाम ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों में जो चीज पूछा जाए उसी को हम लोग मान लेते हैं। लेट अस सपोज दैट दैट द प्राइस ऑफ 1 pencil प्राइस ऑफ 1 pencil एंड 1 pencil एंड 1 pen आर इज एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। देन तब एक पेंसिल का दाम ₹1 तो 5 pencil का दाम 5x एक पेन का दाम ₹Y है एक पेन का दाम ₹Y तो 7 pen का दाम 7y दोनों मिला करके 5 pen और 7 pencil का कुल मूल्य है ₹50। ये एक समीकरण बन गया। फिर इसी तरह से कह रहा है 7 pencil तो 7 pencil का दाम 7x 5 कलमों का दाम कितना हो गया 5y कुल मिला करके हो गया ₹46। इक्वेशन नंबर 2। अब आइए देखिए इसको हल कीजिए। तो हम क्या करेंगे x और y में से ये दो चर हैं दो वेरिएबल हैं एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है खत्म करना है। तो क्या करेंगे हम इन दोनों में से किसी एक को बराबर कर लेंगे इनके गुणांकों को बराबर कर लेंगे। जैसे ये है मान लीजिए इसमें 7y है इसमें 5y तो हम चाहेंगे कि इनके गुणांक बराबर हो जाए। कैसे गुणांक बराबर हो गए इसमें हम 7 से गुणा कर दें इसमें 5 से गुणा कर दें 5 × 7 = 35 7 × 5 = 35 दोनों बराबर हो जाएगा तो वाई खत्म हो जाएगा। आपको एक्स खत्म करना है तो इसमें भी वही हाल है
चाहे इसको खत्म कीजिए चाहे इसको, तो फिर लिखेंगे आर, आर बने या, इसमें पांच से सब में गुणा कीजिए, किसी एक पद में आप नहीं गुणा करोगे, सभी पदों के साथ समान व्यवहार करेंगे। तो 25x + 35y = 250 इक्वेशन नंबर वन। इसमें सात से गुणा कीजिए, सात सत्ते 49x + 35y = 7×6 = 42 के द्वि हासिल 4, 7×4 = 28 4×32 = 32 322। अब क्या कीजिए आप, अगर हम इसको इस समीकरण को इसमें जोड़ दें तो कोई भी अक्षर नहीं खत्म होगा, दोनों वेरिएबल रह जाएंगे, x और y दोनों रह जाएंगे। अगर हम घटा दें, इसको माइनस कर दें, तब इसको जोड़ें तो खत्म हो जाएगा, लेकिन एक ही पद के साथ हम ये व्यवहार नहीं करेंगे। इसका चिन्ह हमने बदला, फिर इसका भी बदल दीजिए, यह है इसका भी बदल दीजिए। इस समीकरण में जितने पद हैं सबके साथ समान व्यवहार करना है। अब जोड़िए इसको, तो ये घट के जीरो हो गया, 35y - 35y, ऊपर वाला चिन्ह भूल जाएंगे, नीचे वाले चिन्ह को ही हम उपयोग में लाएंगे। अब यह -49, नीचे वाले चिन्ह को देखिए, ऊपर है 25, तो इसमें से घटाइए, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, -24x, इसमें 322 बड़ा है, 250 है, तो इसमें से घटाएंगे, 2 में से 0 गए 2, 12 में से 5 गए 7, 70 हो गया, -70, दोनों ओर ऋण ऋण काट दीजिए, या x = कितना हो जाएगा 70/24, कितना हो जाएगा, काटिए देखिए कट जाएगा, कितना 2 से कटेगा, 2 * 24 और 2 * 35 = 70, फिर क्या हो जाएगा, 2 * 35 = 70, 2 * 12 फिर नहीं कटेगा अब, तो ये 35/12 कितना हो जाएगा, 12 * 24 = 24 और 11/35, 24 और 11/35 हो गया 110, तो ये लेंगे 2 सही 11/12, इस तरह लिख दीजिए, चाहे सही रह लीजिए या दसमलव में निकालिए, तो कितना हो गया, x बराबर इतना हो गया। देन ये ठीक आ रहा है कि कुछ छूट उठ रहा है, नहीं, चलो अब क्या करोगे, y का मान रख दीजिए इसमें, देन x चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, क्या करेंगे, समीकरण एक में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा 5, 5x 5 * 35/12 ये हो गया x की जगह पर, +7y = 50, हाँ? सही रहा ना, ये कटा नहीं है, देखो आंसर आ रहा है, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, एक कलम का मूल्य 5 रुपए। तो कहा है 5 पेंसिल 7 कलम, फिर 7 पेंसिल 5 कलम, ठीक तो है, 50 रुपए 46 रुपए, तो कहाँ मिलती हुई, ये हो गया 5x + 7y, 5x + 7y, 5x + 7y = 50, 7x + 5y = 46, इसमें हमने 5 से गुणा किया, इसमें 7 * 7 = 49, 7 * 5 = 35, 7 * 6 = 42, 7 * 6 = 28, 4 * 32 ये भी सही है, 7 * 6 = 35, इसमें हमने 5 से गुणा किया, 5 * 6 = 25, 5 * 7 = 35, 5 * 6 = 25, 250 सही, तो सब है, घटाने पे 2 में से 0 गए 2, 12 में से 5 गए 7, 2 में से 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए 1, इसमें से नहीं, 12 में से 5 गए 7, ये ठीक है, वो 72 आना चाहिए, ये कैसे, हाँ ये 2 लिखना चाहिए, तो 70 लिख उठा है,
72, ये हो गया कितना, ये 72 है, 24 तिया 72 बराबर 3 हो गया, x बराबर 3 हो गया। अब इसमें आप रख दीजिए, देन अब मान रखिए इसका 5x, तो 5 गुणे 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और 7y इज इक्वल टू 50, ये 5 3 15 तो माइनस 15, या 7y या y इज इक्वल टू 50 में से 15 गए 35, बटे 7 बराबर 7 5 35, यानी एक पेंसिल का दाम 3 रुपए और एक कलम का दाम 5 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए by comparing the ratios A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2, find out the solution of the equation and and show that they are intersecting or parallel with, क्या एक दूसरे को intersect करते हैं कि parallel है कि समपाटी है, identical है। देखिए कैसे, question number 2 का पहला question, 5x minus 4y 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, equation number 1. दूसरा है 7x plus 6y 7x plus 6y 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. दिखलाना है इसमें A1 A2 क्या है, हम जानते हैं इफ A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 में, इतने में यदि A1 इफ A1 अपॉन A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 हो तो दोनों रेखाएं, इसे एक सरल रेखा को निरूपित करेगा। क्यों सरल रेखा को निरूपित करेगा, क्योंकि एक घातीय है, ये एक घातीय है, x पर एक घात, y पर एक घात, अगर एक घातीय है तो वो सरल रेखा को निरूपित करेगा, दो घातीय होता तो वो सर्किल को निरूपित करता। तो क्या हो जाएगा, ये A1 अपान A2, तो ये भी एक सरल रेखा को, ये भी एक सरल रेखा को, तो कह रहा अगर A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 तीनों बराबर हो तो दोनों रेखाएं, तो दोनों रेखाएं समपाती होंगी, दोनों रेखाएं समपाती होंगी, यानी आइडेंटिकल जिसको हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्तीय तल है, कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एक सरल रेखा इस तरह से है, ये मान लीजिए है A1x प्लस B1y, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 है, तो ये दूसरी अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 ऐसा बराबर है तो दूसरी रेखा इसी के ऊपर पड़ेगी, इसे एकदम से इसको ढकती हुई इसी के ऊपर से जाएगी। अगर ऐसा है तो A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0,
अब तो समझ बात आ गई, संपाति है यानी उसी के ऊपर, पाती माने पढ़ना, उसी के ऊपर टोटल इसी को इसे ढक ले रही है, दोनों रेखाएं एक ही है, तो ये दोनों रेखाएं संपाति हो। कह रहा कि बताओ ये संपाति है, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? यदि ये तो पहली स्थिति होगी, दूसरी क्या होगी? इफ A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 हो, लेकिन ये C1 upon C2 के ना हो, A1 upon A2 बराबर B1 upon B2 हो लेकिन C1 upon C2 के बराबर ना हो, तब दोनों रेखाएं कैसी होगी? मान लीजिए एक रेखा ये है तो दूसरी रेखा इस तरह होगी, यानी दोनों समांतर होगी, इस तरह पोजीशन होगी। ये होगा A1x plus B1y plus C1 is equal to 0। ये क्या होगा? ये A2x plus B2y plus C2 is equal to 0। ये दोनों एक दूसरे के समांतर होगी, इस तरह की पोजीशन होगी। तीसरा कह रहा है इफ A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। अगर A1 upon A2 B1 upon B2 के बराबर नहीं है तो तब दोनों रेखाएं कैसी होंगी? तब वे एक दूसरे को काटेगी। जैसे मान लो एक रेखा इस तरह से, दूसरी इस तरह से, प्रतिच्छेदी होंगी। यहाँ दोनों रेखाएं एक ही पर हैं, अपने एक ही स्थान पर हैं। यहाँ दोनों रेखाएं समांतर, इनके बीच की दूरी हर जगह समान है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। A1x plus B1y plus C1 is equal to 0। ये है A2x plus B2y plus C2 is equal to 0। प्रतिच्छेदी यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है, ये दोनों नहीं काट रही थी, ये एक दूसरे को हर बिंदु पर काट रही है, यानी इनका अनंत हल होगा जिसको कहा जाता है। अनंत जगहों पर ये एक दूसरे को काटेंगी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत जगहों पर, अनंत बिंदुओं पर काटेंगी। ये दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, ये दोनों केवल एक बिंदु पर काटेंगी। अब यहां पर हम लोग देखें ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, परस्पर संपाति है, ये संपाति हो गई, ये समांतर होंगी, ये प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग, ये पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग है, ये आइडेंटिकल है दोनों। अब आइए देखिए क्या होगा, हम निकालें A1 upon A2 इतना में A1 upon A2 is equal to 5/7, B1 upon B2 is equal to -4/6 is equal to -2/3, वो C1 upon C2 is equal to -8/-9। अब देख रहे हो, कहोगे अस्पष्ट है कि A1 upon A2 B1 upon B2 के बराबर नहीं है, हेंस तो हम कहेंगे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, हेंस दीज लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग माने प्रतिच्छेदी, अतः ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देख, 9x plus 2y। अच्छा, इसको हल करने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ कह रहा बस इतना ही ज्ञात कीजिए, x और y का मान निकालने के लिए नहीं कहा, प्रतिच्छेद ही है बस। दूसरा देखिए 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा 18x
प्लस सिक्स वाई, सिक्स वाई प्लस 24 प्लस 24 इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू। देख रहे हो दोनों समीकरण एक ही है, यानी संपाती है। कैसे देखो यहाँ पर कहोगे इतना इतना में या ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू 9 बाई 18 इज इक्वल टू 2 वन बाई टू बी वन अपॉन बी टू निकालिए इज इक्वल टू 3 बाई 6 ये भी बराबर 1 बाई 2 C1 upon C2 is equal to 12 upon 24 is equal to 1 by 2. Okay, अस्पष्ट है कि it is clear that अस्पष्ट है कि both the lines are क्या है congruent, congruent एक दूसरे पर identical है, identical अस्पष्ट है कि A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। अतः दोनों रेखाएं संपाती है, संपाती है। हो गया संपाती। संग माने साथ, पाती माने गिरना या रहना, एक साथ रहे। एक साथ अब देखो एक के ऊपर एक दूसरी उसी के ऊपर है, संग पाती है। अब कहा जाए एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काटेंगी, तो कहा एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटेंगे, यानी इनका अनंत हल हो गया। अभी पूछता कि कितना हल हो गया था, कहोगे अनंत हल हो गया। ये दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी तो कहोगे कोई हल नहीं होगा, एक दूसरे का केवल एक हल होगा। ये दूसरा रहा, तीसरा देखिए 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 equation number first 2x minus y plus 9 is equal to 0 equation number 2 Here माने क्या कहूँ मैं, हियर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू 6 by 2 = 3 बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू माइनस 3 by 1 इज इक्वल टू 3 सी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू 10 upon 9 क्या कहोगे अस्पष्ट है कि A1 upon A2 is not equal to C1 upon C2 दोनों बराबर तो हैं लेकिन C1 upon C2 के बराबर नहीं है। Hence these lines are parallel। अतः दो रेखाएं समांतर हैं। अतः दोनों रेखाएं समांतर हैं। ये हो गया। चौथा देखिए। मैंने इस तरह का, ये दोनों रेखाएं समांतर इस तरह का। चौथा है। पढ़ो। नहीं है। तीसरा खंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड अनुपातों A1 upon A2 B1 upon B2 C1 upon C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अब संगत और असंगत किसे कहेंगे, ये एक दूसरे के समांतर है तो कहेंगे ये संगत नहीं है, माने इनका कोई हल नहीं होगा। अगर ये संपाति है या इंटरसेक्टिंग है, प्रतिच्छेदी है या पैरेलल है तब कहोगे ये संगत है, संगत माने उनका कोई ना कोई हल है एक दूसरे, और ये इनका कोई हल नहीं तो कहोगे ये असंगत है।
और यही फिर पता करना है देखिए। तीसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट है 3x plus 2y is equal to 5 इक्वेशन नंबर वन। 2x minus 3y is equal to 7 इक्वेशन नंबर टू। अब यहाँ निकालिए a1 upon a2 is equal to 3 by 2 b1 upon b2 is equal to 2 by minus 3 c1 upon c2 is equal to 5 by 7। हम यहाँ क्या देख रहे हैं a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। यही दोनों अगर बराबर नहीं है तो इसकी कोई जरूरत नहीं। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। अतः ये क्या होगा, ये एक दूसरे की प्रतिच्छेदी होगी यानी इंटरसेक्टिंग होगी इस तरह की, यानी एक जगह पर एक काटेंगी। इनका एक हल होगा केवल। अब जब इनका हल है तो हम कहेंगे ये संगत है। यहाँ कहोगे चूंकि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 hence there is only one solution, there is only one solution। इनका एक हल है, केवल एक हल है। इनका क्या है, हल है, सिर्फ एक हल है। अतः ये क्या है, अतः ये क्या है, संगत है। संगत, ये संगत, संगत, संगत। जब उनका कोई हल हो तो हम कहते हैं संगत है, अगर हल ना हो तो हम कहेंगे असंगत। ये संगत है। दूसरा देखिए 2x minus 3y is equal to 8। इक्वेशन नंबर वन। 4x minus 6y is equal to 9। इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए ये क्या है, a1 upon a2 is equal to 2 by 4 is equal to 1 by 2 b1 upon b2 is equal to minus 3 upon minus 6 is equal to 1 by 2 c1 upon c2 is equal to 8 by 9। क्या कहोगे, अस्पष्ट है कि अस्पष्ट है कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। a1 upon a2 b1 upon b2 के बराबर है लेकिन c1 upon c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब दोनों रेखाएं समांतर होंगी, समांतर, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता नहीं। और कोई हल नहीं आता, ये दोनों असंगत दोनों रेखाएं असंगत। असंगत है यानी इनका कोई हल नहीं है। और कोई और तीसरा क्या है, 3 upon 2x plus 5 by 3y is equal to 7। इक्वेशन नंबर वन। 9x minus 10y is equal to 14। इक्वेशन नंबर टू। यहाँ निकालिए a1 upon a2 is equal to 3 by a1 का मतलब x का गुणांक, a2 मतलब x का गुणांक, b1 माने y का गुणांक, c1 माने स्थिरांक कांस्टेंट। या हमें केवल गिनती हो उसे हम c कहते हैं। a1 upon a2 is equal to 3 by 2 upon 9 is equal to 3 upon 18 is equal to 1 by 3 b1 upon b2 is equal to
फाइव बाई थ्री इंटू माइनस टेन कितना हो गया, फाइव बाई थ्री बटे माइनस दस, फाइव बाई थ्री बटे माइनस दस बराबर पांच बटा माइनस तीस, कितना हो गया पांच बटा माइनस तीस, तीन दो तीस बने एक बटा छ माइनस वन बाई सिक्स, कहा ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू सेवन बाई फोर्टीन इज इक्वल टू वन बाई टू, तो क्या हो गया स्पष्ट है एक ही स्पष्ट है हाँ थ्री बाई टू है नहीं, हाँ नहीं ये तो ठीक तो है थ्री बाई टू इतना हो गया है फाइव बाई थ्री बाई एटीन के बाद थ्री बाई एटीन तीन छह कटा एक बटे छ, ये प्लस एक बटे छह ये माइनस एक बटे छह बराबर नहीं है, प्लस माइनस का फिर से चिन्ह देख लो स्पष्ट है कि ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, बी टू ए वन अपॉन ए टू के बराबर नहीं है अतः ये क्या संगत है, अतः ये संगत ये रेखाएं संगत हैं, संगत है मैंने इनका कोई ना कोई हल है। चौथा क्वेश्चन फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू इलेवन इक्वेशन नंबर वन, माइनस टेन एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस सिक्स वाई इक्वल टू माइनस ट्वेंटी टू, माइनस ट्वेंटी टू इक्वेशन नंबर दो। अब देखिए आप ए वन अपॉन ए टू फाइव इज इक्वल टू फाइव अपॉन माइनस टेन इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, सी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू इलेवन अपॉन माइनस ट्वेंटी टू इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, यहाँ देखो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू और इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तीनों माइनस माइनस है देखो बराबर, तो कहोगे स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, अतः ये रेखाएं संपाती हैं, संपाती हैं, संपाती हैं, अतः ये कैसी है संगत है, अतः ये संगत है, संगत यानी इनका कोई हल होगा, जब संपाती है तो ये अनेकों बिंदुओं पर काटेंगे इनका अनेक हल हो जाता है, ये भी संगत है, ऐसी रेखाएं जिनका कोई हल हो वे संगत होती है और जिनका कोई हल ना हो वो असंगत है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है कौन सा असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से उसका हल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट एक्स प्लस वाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, टू एक्स प्लस टू वाई टू एक्स प्लस टू वाई टेन इज इक्वल टू टेन इक्वेशन नंबर दूसरी, क्या देखोगे पहले देखिए संगत है असंगत है कि नहीं है, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू वन बाई टू वन है, वन बाई टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू ए बी वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू सी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू फाइव बाई टेन टेन इज इक्वल टू वन बाई टू, हो गया स्पष्ट है कि ये संगत कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू,
अतः ये रेखाएं संपाति हैं। संपाति है का मतलब इनके अनेकों हल हैं। अनेकों हल हैं तो इसका मतलब ये क्या है? संगत है, रेखाएं हैं। अतः ये संगत है, परंतु इनको इनका क्या, इनके अनंत हल है, इनके अनंत हल है, इनके अनंत हल है। दूसरा देखिए, x minus y is equal to ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हाँ, हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि यही, देखो ये बनाया गया एक दूसरे के ऊपर पड़ रहे हैं, ये अनंत, इस तरह से ग्राफ बनाओगे यही सही आएगा, ये अनंत अनंत। x minus y दूसरा है, कितना x minus y is equal to 8 is equal to 8 equation number first 3x minus 3y 3x minus 3y is equal to 16 is equal to 16 a1 upon a2 is equal to 1/3 is equal to 1/3 b1 upon b2 is equal to 1/3 C1 upon C2 is equal to 8 by 12 मानी 8 upon 16 1/2 स्पष्ट है कि A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 स्पष्ट है कि A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2। अतः ये रेखाएं क्या है? समांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है, और इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, यानी ये असंगत है। क्या है? असंगत है। अब कह रहा है तीसरा देखिए, 2x plus y minus 6 is equal to 0। अब देखिए यहाँ निकालिए a1 upon a2 is equal to 2/4 is equal to 1/2 B1 upon B2 is equal to 1/2 1 upon minus 2 is equal to minus 1/2 C1 upon C2 is equal to 6/4 is equal to 3/2 कहोगे स्पष्ट है कि A1 upon A2 क्या है? is not equal to B1 upon B2 A1 upon A2 B1 upon B2 के बराबर नहीं है। स्पष्ट है कि A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। अतः ये क्या है? संगत है, इनका एक हल है, एक हल है, एक यूनिक हल है, केवल एक हल है, प्रतिच्छेद। हाँ, ये प्रतिच्छेदी है, अतः ये संगत है। अब संगत है तो इनका ग्राफ खींचिए। कैसे ग्राफ खींचोगे? इन दोनों को लीजिए, पहले इसको देखिए, हम जानते हैं। अब लिखिए यदि x बराबर 0 कर दीजिए, x बराबर 0 कर दो तो y बराबर 6 हो जाए, y इक्वल टू 6, x भी मिल गया 0 6। फिर कहिए यदि y बराबर 0 x इज इक्वल टू 3। देखो y बराबर 0 तो x बराबर 6/2 बराबर 3, यानी क्या बिंदु हो गया 3 0। अब दो बिंदु मिल गया, इसे आप सब क्या है, इस रेखा को खींच सकते हो। क्या करोगे? इसे खींचोगे, ग्राफ कैसे खींचोगे? ये 0 0 है, यहाँ बना 1 2 3 4 5 6 7 8
माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, माइनस छह, सात, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अपनी कापी पर, अपनी पटरी से आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर की दूरी पर निशान बनाते जाओगे, एक सेंटीमीटर, दो सेंटीमीटर, तीन सेंटीमीटर पर। या अगर आप पेपर है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी पटरी से ही से बना लो, फिर बराबर बराबर दूरी पर निशान होना चाहिए। ये जीरो सिक्स पहला क्या है, जीरो जीरो, जीरो मैंने ना दही ने लगा है सिक्स, एक दो तीन चार पाँच छ, ये जीरो सिक्स हो गया। दूसरा कह रहा है थ्री जीरो, एक दो जीरो, एक दो तीन, ये हो गया तीन, थ्री जीरो। अब इसको आप मिला दीजिए, क्या करेंगे आप इसे मिला दीजिए, ये रेखा हो गई कौन, ये एक रेखा, दूसरी खींचिए, दूसरी है ये फोर एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर। यहाँ लिखिए यदि x बराबर जीरो हो तो माइनस टू वाई बराबर चार, तो y बराबर माइनस टू, y बराबर माइनस टू, तो कौन बिंदु हो गया जीरो माइनस टू, एक बिंदु मिल गया, x बराबर जीरो कर दिया तो माइनस टू वाई बराबर चार, तो y बराबर माइनस टू। यदि आपकी y बराबर जीरो कर दीजिए, y बराबर जीरो तो जीरो कर दो तो फोर एक्स बराबर फोर यानी x बराबर वन, x बराबर वन, तो कौन सा बिंदु हो गया वन जीरो, इसको लगाइए इसे देखिए वन जीरो, ये वन हो गया फिर जीरो, ये वन जीरो, वन जीरो ये हो गया। दूसरा है जीरो माइनस टू, जीरो माइनस टू, एक दो ये माइनस टू हो गया, इसको अब मिलाइए इसे, पटरी रख करके इस तरह मिलाइए जीरो माइनस टू, ये रेखा कौन सी है, ये है टू टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, ये है फोर एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर। ये कटान बिंदु यहाँ मिला, यहाँ से इस पर आप लम्ब यहाँ डालिए, यहाँ लम्ब डालिए, जो यहाँ पर मिला मान लीजिए हो गया जीरो एक दो है, यहाँ कहाँ मिला ये भी दो हो गया, तो कहोगे टू टू एक्स बराबर टू, इसको कहोगे वाई बराबर टू, ये हल हो गया। ऐसे ही और क्वेश्चन हल कर लीजिए।